वेलकम बैक टू न्यू माय व्लॉग एंड मैं हूं आपकी अनुष्या आमिर एंड आज हम करने वाले क्राफ्ट पेपर्स के साथ वापस पेपर्स आप जोर से मर्जी ले सकते हैं। ये हमारे येलो बस हमारे पास है यहाँ पर कुछ पेपर्स। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से कलर हैं। पिंक है, पर्पल है, रेड है, येलो है, पिंक है, येलो, डार्क ब्लू, रोजी है कलर। ये ब्राउन है मेरे पास। गाइस बताओ गाइस किसकी आवाज है? रोजी कलर कुछ भी डाल। और ये बताओ गाइस किसकी आवाज है? भी है कौन सी है? ये हमारा ब्राउन भी है। ओहो एक और है, ये पिंक वाला। एक तो गाइस किस किस को पेपर संभालने में मुश्किल होती है, मुझे तो बहुत कभी पता नहीं चलता। मुझे एक सारे उड़ाई हमने हैं पकड़ो इसे। गाइस ये है हमारे पास सारे पेपर, पिंक, ब्राउन, फ्रोजी, रेड। तो गाइस हमने इसके साथ बनाना है बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स। हमें इसके लिए चाहिए होता है गम स्टिक, यूआर ट्यूब, सीजर और कुछ कलर शीट्स। अगर आप चाहें तो सादी भी ले सकते हैं, योर चॉइस। ओके तो गाइस अभी हम करते हैं इसे स्टार्ट। मैं आपको करके दिखाते हैं इस तरह से फोर। अभी से हम करेंगे ये साइडों साइडों से कट, इसका ये शेप करेंगे। जैसा आपको पता है हम क्यों कर बाहर वही मैं दी गाइस लव द गाइस मेड इन। ये गाइस यहाँ पर कट हो गया तो उसके बाद ये उड़ने जाए तो आप इसे साइड पे रख दीजिएगा और उसके बाद हमने इसे और फोल्ड करना है सेम टू सेम, ऐसे ही करना है। ठीक है हमने इसे ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है फिर हमने खोलना है इसे, फिर हमने इस तरह करना है फोल्ड, फिर हमने ये गाइस गाइस ये बन रहा है फ्लावर। मुझे ऐसा लगता है बटरफ्लाई है, पता नहीं कैसे किस्म का फ्लावर। तो गाइस सबसे पहले हमने ले लेना है ना इस शेप का कुछ। ठीक है शेप लिख के उसके बाद हमने इसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह। जैसे आप फॉर एग्जांपल के वो कोन नहीं देते हैं इस तरह के कुछ अंदर, सेम वैसा करना है। ये मुझे ना पहले कंफ्यूज हो गया था लेकिन ये हो गया। हमने कुछ इस प्रकार से फोल्ड करके इस प्रकार इसकी कर देना है। अब इसे कट करते हैं गाइस। मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी, आपने पता नहीं आपने सुननी भी है ये तो ऐसी। हमने इसे इस प्रकार फोल्ड करके इस प्रकार काट लेना है। ठीक है हर चीज तो ये कागज़ किसके काम आएगा? आपकी अनुषी आपकी का। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ। ठीक है हमने सारा शेप कट कर लेना है और सारा सा फजूल कट कर लेना है। और अभी हमने इसे अच्छा है, बहुत अच्छा फ्लावर है इसके ना। मतलब इससे पता क्या होता है ये इस तरह फोल्ड करने से कि इसके जो ये होता है ना वो होता है। ये कुछ ज़्यादा कट कर रही है मेरी जो हेल्पर फातिमा है ना, हेल्पर फातिमा। अच्छा मैं आपको गाइस इनका रियल नाम है, रियल नाम है, रियल नाम है मासो। आपको ये हमने थोड़ा सा इस तरह कर लेना है। तो गाइस अभी ना हमने इस तरह के और बना लेना है। हमने अपनी वॉल डेकोरेट करनी है, वो वॉल बहुत सादी सादी है और हमें वॉल को डेकोरेट भी करना है ना। करीब हम ये हमने इस तरह कटोरी शेप बना लेते हैं, इस तरह के हम और बना लेंगे। उसके अंदर आप स्टॉल्स भी चिपका सकते हैं, मोदी आपके पास ही स्टॉल्स लेकर। हमने ऐसे का पेपर लेना है और इसकी ना इसकी इंच होनी चाहिए 8.5 या इसकी लेंथ 8.5। हाँ जी और इसकी वाली साइड है, ये वाली साइड मेरे ख्याल से चौड़ाई है जो इसकी वो 2.5 और 2.5 है। ठीक है तो हमें लेंथ इसकी 8.5 होनी चाहिए और जो इसकी चौड़ाई है ये 2.5 और कटिंग इस तरह की होनी चाहिए। फिर दरमियान से इसको
उसके बाद हमने इसको दरमियान से फोल्ड करना है, फिर उसका जो हाफ होगा उसको ऐसे फोल्ड कर लेना। और जो भी हमने इसकी हमने बनानी है बटरफ्लाई, तो हमने बटरफ्लाई को ट्रेस कर लेना। दस मिनट ब्लॉग पे नहीं आना चाहती क्योंकि मैं बस जगह नहीं बैठ रही हूँ। मुझे इसका मुंह नहीं दिखा रही हूँ। तो गाइज हमने इसको इस तरह ट्रेस कर लिए हैं बटरफ्लाई शेप की तरह। बटरफ्लाई की तरह शेप करते हैं स्ट्राइक। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करेंगे फिर। आफ्टर कटिंग शेप। और इसी से मैं ब्लॉग एंड करने लगी। हाय आपको पसंद आ रहा है तो हाय फादर आपके सोच की है बहुत अच्छी बटरफ्लाई है गाइस। ये अब सो चुकी है और यहाँ पर पड़ी हो रही है गाइस। ये बहुत अच्छी है देखिए आप देख सकते हैं।